सासू माँ ये क्या है? अरे ये एक कूपन है, परसों शॉपिंग के लिए गई थी तो लकी ड्रॉ का कूपन मिला था। ये वही कूपन है ना जिसमें 10 लाख के इनाम के साथ साथ पूरे परिवार को दुबई मुफ्त में घुमाने का इनाम मिलने वाला है। हाँ हाँ वही है। अरे वाह, फिर तो हम सब लोग दुबई घूमने जाएंगे। हाँ हाँ वीरा जरूर जाएंगे क्योंकि हमारा ही नंबर लगने वाला है, देख लेना। और सासू माँ आपने इस कूपन को फेंक दिया था? हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, पहले से ही किसी अंदर वाले का नंबर निकाल लेते ये लोग। ना ना सासू माँ, हर जगह बेईमानी नहीं होती, अभी भी थोड़ी बहुत ईमानदारी बची है इस दुनिया में, तभी तो ये दुनिया टिकी हुई है, वरना तो कब की खत्म हो चुकी होती। बोलो ये कौन सी बात कहाँ पे ले गई? ये फेंक दो, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं हाँ सासू माँ, मैं तो इसे रखने वाली हूँ, शायद हमारा नंबर लग भी जाए, है ना वीरा? हाँ हाँ भाई, मेरा ही नाम सागर मेहता है, बोलिए क्या बात है? What? Are you serious? Thank you very much, thank you very much. Mom, 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 एक good news है mom. क्या? अरे मॉम, हम लोग सब घूमने के लिए वो मॉल में गए थे ना शॉपिंग करने के लिए। हाँ। उसमें जो वो लकी ड्रॉ का कूपन मिला था ना मॉम। हाँ। अरे जिसमें पूरे परिवार को दुबई घुमाने का और 10 लाख का इनाम था ना मॉम। हाँ हाँ उसका क्या? अरे मॉम वो लकी ड्रॉ जीत गए, उसमें हमारा इनाम निकला है। क्या? हाँ। अच्छा मॉम, वो कूपन का है, वो क्या है ना कि मुझे उनके नंबर से अपने कूपन के नंबर को मैच करना है और अपने कूपन की एक स्कैन कॉपी उनको भेजनी है, तब जाके हमको ये इनाम मिलेगा। अब हाँ वो कूपन तो वो एक मिनट कन्हैयालाल मही। हाँ मैडम। कन्हैयालाल वो कूपन कहाँ है? वो अथायत कतले के डिब्बे में। नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। मॉम ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हो आप कन्हैयालाल? नहीं मैंने कुछ नहीं किया सागर, वो कूपन तो हाँ मही के पास थी। मही को बुलाओ। क्या हुआ सासू माँ, मेरे बगैर घर सोना सोना लग रहा था क्या? अब क्या करूं, भगवान को भी थोड़ा समय देना पड़ता है ना। बस चापली हो गई शुरू, चप्पड़ चप्पड़ किए बिना तुझे कुछ आता है क्या? अरे मॉम मॉम मॉम, आप दोनों की लव स्टोरी बाद में। हाँ भाई पहले जल्दी से बताओ कि वो कूपन कहाँ रखा है तुमने? वो तो, लेकिन आपको इस कूपन का करना क्या है? अरे मही, लकी ड्रॉ में हमारा नंबर निकला है, वही कूपन नंबर। क्या? हाँ देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना कि नंबर तो हमारा ही लगेगा, लेकिन आप नहीं नहीं नहीं। बस बस चापली, ज्यादा वाइडी मत बन, सबसे पहले बता कि वो कूपन कहाँ है। अरे वो नंबर चाहिए इसे। आई 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 अभी आई। अश क्या हुआ मॉम, मही ऐसे हड़बड़ाते हुए क्यों गई? अरे भाभी वो लकी ड्रॉ की कूपन ढूंढने गई होगी। कौन से कूपन? अरे भाभी हम लोग तो मॉल में गए थे ना, वो जो कूपन मिला था। अच्छा वो वाला कूपन। रोहित भाई आपके पास है क्या? मेरे पास नहीं है। क्या हुआ? वो मैंने कहीं तो मैंने रखा था उसको, कहाँ मैं? भाई पूरे सीक्वेंस में याद करो ना, तुम कहाँ से कहाँ गई थी फिर कहाँ रखा था? यहाँ से नहीं याद कर, याद आ गया, मिल गया। यहाँ रखा है। मिल गया। जल्दी जल्दी। हाँ हेलो, हाँ मैं सागर मेहता बोल रहा हूँ। वो लकी ड्रॉ कूपन जी लिखिए, मेरा कूपन नंबर है 456 9। हाँ क्या कंफर्म ना? कंफर्म हमारा ही नंबर है ना? थैंक यू वेरी मच। मॉम मही कंफर्म हो गया है कि जो नंबर लकी ड्रॉ में निकला वो यही नंबर है। अच्छा उसने कहा है ना कि कुरियर वाला आएगा और कुरियर में दुबई की रिटर्न टिकट फ्री वाली जो है वो आ जाएंगी। Okay. और दुबई पहुंचकर हमें 10 लाख रुपए भी मिलेंगे मॉम। अब सुनो, हमें जो 10 लाख रुपए मिलने वाले ना उसका हिसाब। अरे अभी तो 10 लाख रुपए मिले भी नहीं है और हिसाब भी कर दिया उसका। यस मॉम, वो गुजराती में कहावत है ना, भैंस भागोले छाछ खादोले। हाँ हाँ वे, अब अबे सुनो तो सही पहले। हाँ सुनाओ तो सही। तो सुनिए, परिवार में हम लोग 6 लोग हैं, तो सबको 10 लाख रुपए में से एक लाख रुपए मिलेंगे। वाओ, 1 लाख रुपए! उसमें तो सोनिया दुबई से सारे कॉस्मेटिक्स के सामान खरीद लेगी। मस्त। और मैं ना जामनगर में मिले दो भाई बहन दोस्ताल है, उनका जमीन छुलानी है, तो मैं पैसा उन्हें दे दूंगा। वीरा, अपने लिए कुछ नहीं करोगे? मेरे लिए तो आप सब लोग है ना, लेकिन मेरे भाई बहन दोस्तल था तो ही नहीं है। मैं भाभी, आप क्या चलेंगे 1 लाख रुपए तक? मैं ना जिन गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता उन लोगों के लिए सासू माँ के नाम से भंडारा रखूंगी। अरे वाह, फिर तो मैं मेरा 1 लाख भी तुमको दिया मैंने। और मेरा भी। सासू माँ, आपका भी 1 लाख ले लूं? थैंक यू। अच्छा मई, बाकी के 4 लाख का क्या करोगी तुम? वो तो मैं सासू माँ को दे दूंगी, ताकि कश्मीर, वडोदरा और छोटे छोटे गाँव में जो पूरा आया है ना, उसके विकास के लिए काम आ सके, है ना सासू माँ? हाँ, पहले 10 लाख रुपए आने तो दो, बाद में बात करेंगे। सासू माँ, काली काफी ला। थैंक यू। आज तो टपाल आने वाली है ना, और दुबई की टिकट की टपाल नहीं, उसे कुरियर कहते हैं। वेरा खड़ी। क्यों? टपाल बोली तो उसमें क्या गलत है? गलत है क्योंकि दुबई की टिकट्स कुरियर वाला लाता है, टपाली नहीं, समझी? हाँ, समझ गई सासू माँ। लेकिन हमें तो टिकट से मतलब है ना, फिर वो टपाल में आए कि कुरियर में आए क्या फर्क पड़ता है, चलता है। स्वीकार तो कभी करोगी ही नहीं कि तुम गलत हो, है ना? पीछे ही पड़ जाती हो आप सासू माँ। चारों चलो, मैं गलत आप सही, खुश। अरे इसमें मुंह बिगाड़ने की क्या बात है? तुम गलत हो तो हो, खेल दिली से स्वीकार करो। कुरियर वाले भाई आ गए लगता है। मैं खोलती हूँ। आई भाई, सागर जी कुरियर वाले भाई आ गए। जय अम्बे, मही मेहता। ओहो, इतनी सारी टिकट। मही, दूसरे भी काम के कुरियर होंगे उसमें, सिर्फ टिकट वाला कुरियर नहीं होगा। लाओ मही, मैं देखता हूँ। अरे मॉम, ये तो सारे सिर्फ पॉलिसीज और फालतू के प्रमोशंस वाले कुरियर्स हैं। इनमें वो दुबई की टिकट वाला कुरियर नहीं है। क्या? ले, ऐसे कैसे हो सकता है? कुरियर वाले भाई, वो जरा दूसरी टपाल देखिए आप। मही, वो तुम्हारी तरह अनपढ़ गवार नहीं है, उसके दूसरे कुरियर्स होंगे उसमें। कमाल करते हो तुम भी। जाइए भाई साहब, आप जाइए। अरे ऐसे क्या? कुरियर वाले भाई, टपाल तो आज ही आने वाली थी ना, है ना सागर जी? हाँ। तो बच्चे क्या माऊ? सागर जी, आप एक काम कीजिए, वो टपाल वाले भाई को फोन कीजिए। हाँ ठीक है। 1 मिनट सागर, क्या है ये? हाँ, मैं फोन लगाता हूँ। कमाल करते हो, फोन करके क्या पूछोगे उनको? हेलो कुरियर वाले, वहाँ मेरा कुरियर आया है क्या? और उसने बोला कि नहीं आया तो? नहीं, वो थैले में देखिए जरा, उसके अंदर शायद चला गया होगा, ऐसा बोलोगे? इसको तो अक्ल है नहीं, लेकिन तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? मतलब सागर भैया, आपकी अक्ल घास चरने गई है? अरे भाभी, मॉम से ही पूछिए ना। क्या मॉम से पूछिए? क्या गई पूछने? देखिए सोनिया। मेरी वजह से आपको डांट पड़ी ना? मैं आज तो ये रोज की कहानी हो गई है। पर चलता है ना सागर जी, माँ तो अपने बेटे को बिंदास डांट सकती है। हाँ, चलता है। सागर जी, आप ना फोन कीजिए। हाँ, कीजिए। सासू माँ तो कमरे में जाके सो भी गई होगी। पक्का? हाँ, एकदम लोखंड वाला पक्का। हेलो, हाँ मैं सागर बोल रहा हूँ। हाँ, वो कूपन के बारे में, वो कुरियर आने वाला था, वो अभी तक पहुँचा नहीं। हाँ भाई, मैं सागर मेहता ही बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मही मेहता का पति ही बोल रहा हूँ। क्या मही, तुमने इन लोगों को 5 बार फोन किया ये पूछने के लिए कि हमारा कुरियर कब आएगा? अभी तक नहीं आया, ये सब पूछने के लिए। सागर जी, फोन चालू है, बात कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ ओके थैंक यू वेरी मच। क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुरियर उनके यहाँ से निकल गया, आज या कल में हमारे घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन तुमने 5 बार उनको फोन किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? वही कमाल करती हो तुम भी यार। आखिर कुरियर वाले को फोन कर दिया ना तुमने? नहीं मॉम मैंने नहीं। वो मैं मॉम अभी यही मई बबे माही बाबे। हाँ 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 आ गया कुरियर, लाओ लाओ लाओ। अरे नहीं आया, उसी तो इंतजार कर लो, जितनी बाल बहाल देता लेकिन तो आई नहीं लाए। अच्छा मई भाभी मुझे दलता थोड़ा सामान लेने बाजार जाना है, तो आप ध्यान रखना। हाँ हाँ वीरा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हूँ छो ने, अब जाओ। ध्यान रखना, दुबई जाना है ना। अरे हाँ कपल वाले भाई, अरे आओ बापा कुरियर वाले भाई आओ। क्या अम्बे मां भेजो ना कुरियर वाले भाई को। इल्ले चंपुड़ी को तो ये बात बताई नहीं मैंने। जय अम्बे चंपुड़ी। अरे हाँ हाँ एकदम धमाल मस्ती। अच्छा सुन तुझे ना एक मस्त वाली बात बतानी है मुझे। हाँ तुझे पता है हम लोग ना दुबई घूमने जाने वाले हैं। हाँ, अरे वो भी मुफ्त में चंपुड़ी, मुफ्त में। हाँ तो ओहो हाँ हाँ वो भी लेके आऊंगी तेरे लिए। अच्छा और आगे सुन। अरे कोई है? कोई है? अरे मही भाभी, कन्हैया लाल जी, अरे सागर भाई कोई है? ओ कोई नहीं है लग रहा है, क्या करूं? वो यहीं पर रख देता हूं, साइन बाद में ले लूंगा, घर की बात है। मैंने कहा था जब तक टिकट हाथ में नहीं आ जाता हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं सासू मां ऐसी बात नहीं है। अरे मैंने कई बार वो दुबई वाले भाई से फोन पर बात भी की, इनाम तो मिला है ये बात तो पक्की है, बस कुरियर वाला नहीं आया। क्या कई बार फोन? हाँ पक्का सागर, इसने इतनी बार फोन करके उनको परेशान किया होगा कि उन्होंने गुस्से में आके हमें दुबई भेजने के लिए मना कर दिया होगा। नहीं 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 सासू मां ऐसी बात नहीं है, मतलब मैंने इतने भी फोन नहीं किए कि वो लोग मुझसे गुस्से हो जाए। थागल भैया मैं त्या थे लाओ, एक बार वो कुरियर वाले को फोन तल दो ना, 10 लाख का सवाल है। मैडम एक फोन 10 लाख रुपया दुबई। एक ए हाथ 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 फोन तल। मॉम करूं क्या फोन? करो। हेलो हाँ पहुंचा दूंगा कुरियर। अच्छा सुनिए मैं सागर मेहता बोल रहा हूँ सैटेलाइट एरिया से। हाँ एक बात बताइए, अनसुया मेहता के नाम से कोई कुरियर आया था क्या? क्या आया था? अरे तो फिर वो हमें मिला क्यों नहीं? हाँ हाँ प्लीज आप चेक करिए और चेक करके मुझे बताइए। और देखिए जिस लड़के ने कुरियर डिलीवर किया था ना, आप प्लीज उससे भी मेरी बात करवाइए। हाँ ओके। अरे मॉम वो तो कह रहे हैं कि उनके तरफ से कुरियर डिलीवर हो गया है। ऐसे कैसे? हमें तो कोई कुरियर मिला ही नहीं है। हाँ मैंने भी तो यही कहा। एक मिनट, हेलो हाँ सागर मेहता बोल रहा हूँ। हाँ अनिल भाई बोलिए। अच्छा कितने बजे कहाँ रखा था? अच्छा ओके ओके बाय। अरे मॉम वो जो अपने यहाँ कुरियर पहुंचाने के लिए आते हैं ना अनिल भाई। अच्छा अपने अनिल भाई? हाँ हाँ वही मॉम, वो कह रहे हैं कि वही यहाँ पर कुरियर डिलीवर करने के लिए आए थे, घर पर कोई नहीं था तो उन्होंने कुरियर को टेबल पे रख दिया। इधर ही होगा। टेबल डट डट गिराओ नीचे थोड़ा। मिल गया सागर जी को। अरे नहीं है ये, नहीं है। अरे इसको थोड़ी ना मिलेगा पापा। ओहो अरे लेकिन अनिल भाई ने तो कहा था कि उन्होंने कुरियर यहीं रखा था। अरे वो सब छोड़ो सागर, अगर कुरियर यहाँ रखा था तो गया कहाँ? अरे एक सेकेंड, सबसे पहले तो वो यहाँ रख के क्यों गया और किसी की साइन भी ले ली? वही तो। क्या वही तो? और एक मिनट, उस दिन तो तुम घर पे थी ना, तो तुम कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी, वो तो चंपुड़ी से बात कर रही थी तब। तब क्या? तुझे पता है हम लोग ना दुबई घूमने जाने वाले हैं। ओहो हाँ हाँ वो भी लेके आऊंगी तेरे लिए। बस उसी समय अनिल भाई आए होंगे और कुरियर यहाँ पर रखकर चले गए होंगे। क्या मई तुम इन्हें एकदम ध्यान नहीं रखती हो यार। अरे वो सब ठीक है सागर, पर पता करो कुरियर गया कहाँ। करेक्ट करेक्ट है रोहित भाई, एक मिनट। हेलो हाँ अनिल भाई, अच्छा आपने एग्जैक्टली कुरियर कहाँ पे रखा था? अच्छा ओके, अनिल भाई ने कहा कि उन्होंने क्या हुआ हा? अरे क्या कहा अनिल भाई ने? अरे उन्होंने कहा कि बहुत सारे कुरियर रखे हुए थे टेबल पर, उन्होंने उसके ऊपर कुरियर रखा, लेकिन यहाँ तो एक भी कुरियर नहीं है। अरे तो कुरियर कहाँ गए? वो सागर जी यहाँ जो कुरियर थे ना वो सारे तो मैंने क्या बोलो ना वो तो मैंने। अरे कुरियर वाले भाई, ओहो ये फालतू कुरियर अभी तक यहीं पड़े। इसलिए सागर जी कह रहे थे ना कि फालतू है तो फेंक ही देती हूँ, खुटी चक्किया रोके। क्या मही तुमने सारे के सारे कुरियर कचरे के डब्बे में डाल दिए? देसी गंवार, 19वीं सदी की देसी सोच। ये भगवान, दुबई की टिकट्स इसने डस्टबिन में डाल दी। सासू माँ मुझे कोसने के बजाय हम लोग वो कचरे के डब्बे में टिकट ढूंढते हैं ना। अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया है, तो जाओ ढूंढो। चलो पापा चलो। भगवान क्या करूँ इस लड़की का। ढूंढो जल्दी। लेकिन मई भाभी इसमें तो कुरियर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि थाला तसला में सुबह ही फेंकते आया। ओहो तो ये बात आप पहले नहीं बता सकते थे। आओ दुबई दिमाग में धूम ला था ना तो भूल गया। अरे वैसे 2-3 दिन तक कचरा नहीं फेंकते, आज सुबह सुबह ही कचरा फेंका है। अब कोई बात नहीं रोहित भाई, कन्हैयालाल जी अब बोले हाँ मैं ताम तलता हूँ, नीचे जाते देख लेता हूँ। अगलो म्यूनसिपालिटी थी दादी आते तसला लेते नहीं देगी ना तो अपने तो कुरियर मिल जाएगा। अरे कन्हैयालाल जी किसी भी कीमत पर आपको कुरियर ढूंढ के ही लाना प्लीज। हाँ हाँ ढूंढ के लाऊंगा, 10 लाख और दुबई का सवाल है, मैं अभी जाता हूँ। अरे वो उनका फोन आ रहा है, लकी ड्रॉ वालों का। हेलो हाँ मैं सागर मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या कब की? आज की। और तैयारी हाँ हो गई है, तैयारी हो गई है। हाँ ओके बाय। अरे वो लकी ड्रॉ वाले का फोन था, वो कह रहा था कि हमारी फ्लाइट आज की है और पूछ रहा था कि तैयारी हुई कि नहीं, तो मैं क्या कहता? अब ये तो कह नहीं सकता था ना कि हमने तो कुरियर ही घुमा दिया है। बोलो। नहीं सागर जी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वीरा है ना, वीरा जरूर कुरियर ढूंढ के लाएंगे। देखना आप कहाँ से लेके आएंगे वो तो नहीं पता। सही कह ले मैडम आप। और सुबह सुबह कचले के दगले में से वो पुत्था निकालने वाले बच्चे आते हैं ना, वो सब ऐसा कचला लेके पस्ती वाले को बेच देते हैं। कोई बात नहीं अब भूल जाओ उसे। अरे वैसे भी हमें इनाम में मिला था, हमने कुछ गवाया तो है नहीं, तो उसमें दुखी होने की क्या बात है। अरे एक मिनट कन्हैयालाल जी, हम एक चांस और ले सकते हैं। हमारे इलाके में कुल कितने पस्ती वाले हैं? हमारे एरिया में 2 पस्ती वाले, एक तमीना है और एक अच्छा वाला। एक अच्छा है ना, हाँ तो ज्यादा चांस ये है ना कि ज्यादातर लोग उस अच्छे वाले के पास ही पस्ती देने के लिए जाते होंगे, है ना? हाँ बोले हाँ शायद वो बच्चे लोग पस्ती वाले के पास गए हो और दे दिया हो। मेरे पास तो उसका नंबर भी है। अरे तो फिर उसको फोन लगाइए और पूछिए ना। हाँ लजू भाई डले थम्मा और सब तेज तबियत पानी है। अरे हाँ लाजू भाई ये सब छोड़ो, सुनो ओ सुबह बच्चे आते हैं ना, उसमें से कोई कुरियर लेते आया है आपके पास? हाँ? चेक करके बता ले, चेक करके अंशिया मेहता के नाम था ये कुरियर। हाँ आता वो सागर भैया दादी नहीं चला तू ले मिल गया, चला ऊपर चला चल दे। बच गए पापा, जो सासू माँ भले मुझसे गलती हुई हो लेकिन भगवान तो मेरे साथ ही है। मॉम ये देखिए हमारा कुरियर मिल गया। गुड वेरी गुड। मैंने सोचा यहाँ आकर सबके सामने ही खोलूंगा। क्या हुआ सागर जी? क्या हुआ? आप तो बोलिए रोहित भैया क्या हुआ? क्या बोला? जल्दी दो मुझे। टिकट्स तो है हमारे पास, लेकिन फ्लाइट दोपहर को 2 बजे, मतलब 20 मिनट बाद। 20 मिनट में हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे और 10 लाख रुपए भी वहां जाके फंक्शन अटेंड करने के बाद मिलने वाले हैं। अरे यार, ऐसा कैसा नियम है उन लोगों का? होता है मही, कई कंपनियों का ऐसा नियम होता है। ओहो, आप लोग मायूस मत होइए। दुबई जाना है ना? चलो मैं ले चलती हूँ तुम सबको दुबई। चलो मेरी तरफ से सबको दुबई। चलो चलो चलो। और मेरा खड़ी क्या? चलो चलो कहाँ? बैग भरने। तुम्हें क्या लगा दुबई 4-5 स्टेशन के बाद आता है? कि विंडो पे जाके टिकट ले ली और डीजल वाली ट्रेन में चढ़ गए और ऐसे धक्के खा खा के दुबई पहुंच गए। पहले देखो कि टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं। होटल रिजर्वेशन भी करना पड़ेगा ना। हाँ समझ गई। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसमें होटल के पैसे और विमान के पैसे बच जाएंगे। वो कैसे? वेरा खड़ी चलते हैं ना मही। मेरी बीवी वेरा खड़ी के आगे कभी कुछ सोचेगी ही नहीं।